प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे जब से भारत ने पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी बंद किया है, तब से पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। तो इसी मुद्दे पे मुंह तोड़ जवाब देंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ और अपनी जरूरतों को पूरा और अपने जनता की जरूरतों को पूरा ना करके पाकिस्तान के जरूरतों को देखना, ये तो मोदी जी का काम नहीं है, ये तो मेरे भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये आपके प्रधानमंत्री का काम है, आपके वजीर आजम का काम है। और कायदे आजम कुछ दुआ हुआ ऊपर से फूकेंगे या कायदे आजम आपके जिन्ना जो है वो 72 वर्जिन हुरों के नशे में ही ऊपर है, और इतने इस्लामिक प्रीचर है आपके यहाँ, थोड़ा दुआ हुआ करें। अब आती है बात के पानी रोक दिया गया, आपको तकलीफ हो गई। पाकिस्तान को किस चीज की तकलीफ नहीं है भाई, हर चीजों की तकलीफ है पाकिस्तान में, इंटरनेट की तकलीफ पाकिस्तान में, बिजली की तकलीफ पाकिस्तान में, आटे की तकलीफ पाकिस्तान में, चावल की तकलीफ पाकिस्तान में, नौकरी की तकलीफ पाकिस्तान में, इकोनॉमी की तकलीफ पाकिस्तान में, हॉस्पिटल की तकलीफ पाकिस्तान में, एडुकेशन की तकलीफ पाकिस्तान में, सेफ्टी की तकलीफ पाकिस्तान में, सिक्योरिटी की तकलीफ पाकिस्तान में, तो हर चीजों की तकलीफ तो आपके यहाँ पर है ही है, हमसे क्यों शिकायत करते हैं। वो तो अच्छा है कि ना ही डिफेंस मिनिस्टर मैं हूँ और ना ही फॉरेन मिनिस्टर मैं हूँ, वो तो इतने बैलेंस और इतने सुलझे हुए लोग बैठे हुए हैं जो बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगी भारत के प्रधानमंत्री को और अजीत डोवल जी को कि कोई एक ऐसा साइंटिस्ट निकालिए भारत से जो हमारे तरफ से जाने वाली हवाओं को भी रोक दे पाकिस्तान पहुंचने से। मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई जब मैंने इस खबर को सुना 26 फरवरी को कि भाई रवि रिवर जो है वो रोक दिया गया। मैंने कहा हाय कितना अच्छा काम किया है, जबरदस्त काम किया है। जानती हूं मैं इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, जिसमें रवि, सतलज, व्यास जो है वो हमारे हिस्से में था, वो हमारी नदियां हैं, हमारा पानी है, और ट्रीटी हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर जिसने किया था उसके हड्डी का सूरमा भी अब नहीं है। और शाहपुर कांडी बैरेज जो है वहां से ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, है ना। अब आती है बात कि फॉर्मर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वहां का उद्घाटन किया था शाहपुर कांडी बैरेज प्रोजेक्ट इन 1995 में। इस प्रोजेक्ट का उन्होंने स्टोन किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। पर कश्मीर में जो 370 का जो एक कार्यक्रम चल रहा था, अब्दुल्ला मुफ्ती, लश्करे तैबा, यासीन मलिक, सब कोई जो टट्टू भाड़े के बन करके बैठे हुए थे बेनजीर भुट्टो के, तो उस वजह से, और सरकार भी तो मतलब पाकिस्तानी दिमाग की ही सरकार भी थी ना कांग्रेस की सरकार, क्योंकि आपके कायदे आजम जिन्ना से नेहरू की बड़ी पड़ती थी, दोनों बड़े बड़े जिगरी दोस्त थे, एक साथ बैठ करके सुअर खाना, एक साथ सिगार जलाना, एक साथ दारू पीना, एक साथ लौंडियाबाजी करना, तो ये सारे नशे में बहुत सारे शर्तें और शरायत हो गए। इसी सारे नशे में हमारे भारत का एक अंग कायदे आजम आर्मी पाकिस्तान को मिल गया, जिन्ना को, पर कुछ कर नहीं पाया, या यूं कह दे अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में कहें तो कुछ उखाड़ नहीं पाया। अब बात ऐसी आ गई है कि जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट तो खत्म हो चुके और वहां पर हजारों हजार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहां पर हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, और कई प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले भी हैं।
हालिया में आप लोग बहुत सारा लाइव पॉडकास्ट कर रही थी, अरे मोदी जी ने इतना दे दिया कश्मीर को, इतना बिलियन दे दिया, इतना मिलियन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, अरे कहीं नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे, कश्मीर हमारी जान है और अपनी जान पे कौन ही निछावर करता है पैसा, तो हमने अपनी जान पर, हमारी सरकार ने अपनी जान पर पैसा निछावर किया है। अब जब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट सॉल्व हो चुके हैं और सबसे ज्यादा इस पानी की जरूरत जम्मू एंड कश्मीर को है, तो फिर हम पाकिस्तान को क्यों देंगे पानी, तो नॉर्मल सी बात है ना, क्यों देंगे। और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, जबकि टास्क फोर्स ने कहा है कि एक ड्रॉप पानी भी, इस तरह का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है टास्क फोर्स की तरफ से कि एक ड्रॉप पानी भी पाकिस्तान पहुंच पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ वीडियोस है रिबाह जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप लाइव करती तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मुझे आप पर शक लगता है कि आप कहीं ना एडिट मार दें। तो आप कह रहे हैं कि पानी की किल्लत हो रही है, आपका, आपके पाकिस्तान का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर कहता है कि आप लोग भिखारी हैं, ये आपका ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये आपका ही पाकिस्तान का पार्लियामेंट है ना। अब जो बनने वाले हैं आपके, अब इलेक्शन हो गया, आपका प्रधानमंत्री नहीं बना, वजीर आजम मैम आज जो है वो वजीर आला तो हो गई है मरियम नवाज साहिबा। अच्छा हो गई, अच्छा ठीक है। पूर्व जो आपके वजीर आजम है वो क्या मतलब अपने मीटिंग में लोगों को खाने का लालच दे करके रोकते हैं, अल्लाह से मांगिए ना पानी, हमसे क्यों मांग रहे हैं, अल्लाह से रोजी रोटी मांगिए, जनमाज बिछाइए, क्योंकि आपके यहाँ तो लोग जंगे लड़ने को तैयार हैं, 300 से ज्यादा जंगे लड़ने को तैयार हैं, और अल्लाह आप लोगों को ताकत दे देगा, तो फिर ये शिकायत क्यों है, ये शिकायत क्यों कर रहे हैं हम लोगों से, बस मुसल्ला बिछाइए, जनमाज बिछाइए, अल्लाह से मांगिए, बारिश होगी, धुआंधार सैलाब वैलाब आ जाएगा पाकिस्तान में, पानी जमा कर लीजिएगा ड्रम में, बड़े बड़े ड्रम खरीद लीजिए, उसमें पानी जमा कर लीजिएगा, क्योंकि भारत का बहुत सैलाब गुजरा, आपको पता ही है कि कितने मसले मसाइल रहे हैं, अभी उस चीज से नहीं हम निकले, तो आप अगले सैलाब की बात करेंगे, अल्लाह बचाएगा ना आप लोगों को। अच्छा मुझे एक बात बताइए रिबाह जी, अल्लाह क्यों नहीं बचाता है आप लोगों को, आप लोग तो इस्लामिक देश, हम मेहनत नहीं करते, हम खुद कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सब कुछ जो है वो अल्लाह पे डाल देते हैं। अच्छा तो अल्लाह ने कहा है मेहनत करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए हम लोग काफिर हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है मैम, ये तो बस अब कुछ लोगों का माइंडसेट उस हिसाब से है ना कि वो अपने सोच के मुताबिक जो है वो मजहब को ढाल लेते हैं, तो उसका अच्छा, तो सोच है रिबा, ऐसी जो सोच है, कुछ आपने कहा कुछ लोग, तो ऐसी जो सोच है ये तो पाकिस्तान में कुछ लोगों की है, तो फिर पाकिस्तान बर्बाद क्यों हो गया, कुछ लोगों की सोच तो हमारे भारत में भी बहुत बदतमीज वाली है, वो डोमिनेंस रखते हैं ना पाकिस्तान में, जिन लोगों की ये सोच है, तो अगर जो डोमिनेंस रखते हैं मैम तो फिर उनकी सोच। सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि आपके पाकिस्तान में ये जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले कुछ लोग हैं या पूरा पाकिस्तान है? पूरा पाकिस्तान अल्लाह पे भरोसा करता है मैम, देखिए इस्लामिक कंट्रीज हमारे अलावा और भी बहुत है, अब UAE भी तो अल्लाह पे भरोसा करता है, सऊदी अरब भी तो अल्लाह पे भरोसा करता है, लेकिन वो काम करने पे यकीन रखते हैं ना, काम करेंगे उसका जो रिवॉर्ड है। UAE अल्लाह पे भरोसा करता है और मक्का मुअज्जमा मदीना मुनव्वरा UAE पे है, UAE में ही है, अरब में ही है, पर वहां तो 27 एकड़ की मंदिर खुल रही है,
प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है मोदी जी को बुला करके, वहां सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, वहां सारी चीजें हो रही हैं। आपके यहाँ क्या है कि आप लोग अश्लीलता तो करते हैं पर कहते हैं कि अल्लाह ने इतना अश्लीलता करने को कहा था तो हमने कर लिया। अल्लाह ने कहा था कि जाकर के अहमदियों की मस्जिद तोड़ दो तो मैंने तोड़ दिया। अल्लाह ने कहा था कि शियाओं की मस्जिद तोड़ दो तो मैंने तोड़ दिया। अल्लाह ने कहा था कि 1288 मंदिर है तोड़ दो तो मैंने तोड़ दिया। तो जब अल्लाह की इतनी वफादार हैं आप लोग, जब अल्लाह का इतना हुक्म मान रहे हैं आप लोग, तो खाने खाने को क्यों तरस रहे हैं? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान को भी उधेड़ दिया और भारत सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला रहा जहाँ पे रावी नदी का पानी पाकिस्तान को देने से मना कर दिया गया और वो पानी भारत के किसानों को ही काम आएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।